आपको बता दें कि फरीदाबाद में C20 शिखर सम्मेलन का आयोजन आज किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सम्मेलन में संबोधित कर रहे हैं। सीधे सुनवाते हैं क्या कुछ मुख्यमंत्री की ओर से कहा जा रहा है। को लेकर आगे की नीतियां तय की जाएंगी और इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शामिल हुए हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया इसमें शामिल हुए हैं। इसके अलावा हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। तो C20 शिखर सम्मेलन का आयोजन फरीदाबाद के अमृता अस्पताल में किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से फिलहाल संबोधित किया जा रहा है। तो C20 में सीएम मनोहर लाल की ओर से संबोधित किया जा रहा है और इसमें दरअसल स्वास्थ्य को लेकर आगे की नीतियां तय की जाएंगी और सीएम मनोहर लाल ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा भी इसमें मौजूद, चिकित्सा विशेषज्ञ स्वास्थ्य अधिकारी भी मौजूद। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अब आगे की नीतियाँ इस कार्यक्रम के जरिए तय की जाएंगी, इस सम्मेलन के जरिए तय की जाएंगी। तो ये दो दिवसीय C20 शिखर सम्मेलन है जिसका आयोजन फरीदाबाद के अमृता अस्पताल में किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो C20 शिखर सम्मेलन, दो दिवसीय C20 शिखर सम्मेलन का आयोजन फरीदाबाद के अमृता अस्पताल में किया गया है। सीएम मनोहर लाल, इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री की ओर से किया गया, इसमें चिकित्सा विशेषज्ञ स्वास्थ्य अधिकारी भाग ले रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि दरअसल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आगे की नीतियां इस सम्मेलन के जरिए तय की जाएंगी। इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस सम्मेलन में दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा भी मौजूद हैं। ऐसे ईज ऑफ लिविंग के नाते से इन चीजों पर ध्यान बहुत आवश्यक है। आज चर्चा केवल स्वास्थ्य को लेकर के है, तो जो स्वास्थ्य को लेकर के है उसमें शरीर का स्वास्थ्य, मन का स्वास्थ्य, तो ये सारी चीजें यानी साइमल्टेनियसली चलती हैं कि हमारा जहाँ शरीर स्वस्थ है वहाँ मन स्वस्थ है कि नहीं है। तो जब शरीर के स्वस्थ होने की बात करते हैं तो शरीर में बहुत प्रकार की बीमारियां ये जब घर करती हैं उसका इलाज इसी को शायद हम स्वस्थ शरीर का एक लक्षण मान लेते हैं। लेकिन मित्रों, इससे आगे बढ़कर विचार करना होगा। बीमारी को दूर करना वो स्वस्थ होना इसको कहा जाएगा, लेकिन स्वस्थ होने से पहले स्वस्थ रहना ये बहुत आवश्यक है। अगर हम स्वस्थ रहने की तरफ चल पड़ेंगे तो फिर बहुत सी चीज़ें हमको इसके अतिरिक्त भी करनी पड़ेंगी। जब तक हम बीमार नहीं हो तब तक इंतज़ार नहीं करना, बल्कि जैसा कहा जाता है यानी प्रिकॉशन इज द बेटर वे टू ले, पर प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, जो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो जब इलाज की नौबत ना आए उससे पहले हमको क्या करना है, तो हमारे यहाँ अभी ठीक है एलोपैथी का एक युग चल रहा है। एलोपैथी में इलाज पर ही पूरा विश्वास है। एलोपैथी ने बहुत तरक्की की है, बहुत बेहतरी की है और हम एलोपैथी के आभारी भी हैं कि आज के युग की बीमारियों का इलाज नई नई रिसर्च करके एलोपैथी ने निकाला है। लेकिन फिर वही वो हमको एक प्रकार से बीमारियों से इलाज करके स्वस्थ होने की ओर हमारा लाभ पहुँचाते हैं, लेकिन स्वस्थ रहने की ओर इसमें जो हमारी प्राचीन पद्धति वो है आयुर्वेद, और उसको अगर बहुत विस्तार से करें वो है आयुष। नॉट ओनली आयुर्वेद बल्कि उसमें नए आयाम भी जुड़े हुए हैं। उसके अंदर आयुर्वेद है, योगा है, उसके अंदर यूनानी पद्धति है, उसमें सिद्धा पद्धति है, उसमें होम्योपैथी है,
कई सारे उसके सिस्टम हैं, इन सब को भी हमको डेवलप करना पड़ेगा ताकि हम बीमार हों ही ना। हमारी सरकारों का बजट, हेल्थ का जो बजट है, वो इलाज करने की ओर तो बढ़ रहा है, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए जितने आयाम खड़े करने चाहिए उधर हमारा ध्यान कम है। बहुत लंबा विषय न करते हुए मैं तो इतनी बात कहूँगा कि हमने हरियाणा में इस ओर ध्यान करना शुरू किया है। जैसे पहले तो योगा है, अब प्रधानमंत्री जी का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने जब 2014 में UNO में योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर ख्याति दिलाई, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये अगर किसी की इनिशिएटिव से अगर दुनिया ने स्वीकार किया तो 170 देशों ने इसको उस विषय से ऊपर, बहुत लोग तो पहले मानते रहे होंगे कि ये तो केवल एक संतों का, साधु सन्यासियों का आश्रम में बैठे लोग, उन्हीं की क्रिया होती है शरीर की, वही योग करते हैं, बड़े बड़े योगी हुए हैं, उन योग की सुविधा को लंबे समय तक लेकर के चलने वाले उन्हीं को श्रेय जाता है। लेकिन योग को सामान्य जन की जीवन पद्धति में लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और उसके बाद भी बहुत ऐसे सन्यासी हैं, योगी ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने इसको व्यक्ति के, सामान्य व्यक्ति के जीवन में लाकर खड़ा किया है। अगर उसमें बहुत नाम लिए जा सकते हैं, बहुत संस्थान लिए जा सकते हैं, इस उत्तर भारत के क्षेत्र के अंदर मैं नाम लूं तो बाबा रामदेव ने उस योग को घर घर में पहुंचा दिया, प्रातःकाल हजारों की संख्या में लोगों को बाहर निकाला, घर से बाहर। ऐसे ही हमारी संघ की जो शाखाएं हैं उसमें भी लाखों लोग बाहर निकल करके प्रातःकाल योग करने का अभ्यास करते हैं। तो शरीर के साथ योग को जोड़ना, और योग केवल शारीरिक व्यायाम ही नहीं है, केवल आसन ही नहीं है, इसके साथ मन भी सदता है, ध्यान भी है योग में। तो योग की प्रक्रिया के माध्यम से हम शरीर को स्वस्थ करते हैं, मन को स्वस्थ करते हैं, हम अपने तनाव को दूर करते हैं। जहाँ तक आयुर्वेद की बात है, हमने उसको भी आगे बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। हरियाणा में एक कॉलेज आयुर्वेद का हमारा बहुत पहले शुरू हुआ, श्री कृष्णा आयुर्वेद कॉलेज कुरुक्षेत्र के अंदर। जब ध्यान में आया कि इसको विस्तार करना, तो उस कॉलेज को हमने यूनिवर्सिटी बनाया, श्री कृष्णा आयुर्वेद विश्वविद्यालय, हमारा विश्वविद्यालय ये कुरुक्षेत्र में स्थापित हुआ है। ऐसे ही भारत सरकार ने एक अखिल भारतीय आयुर्वेद का संस्थान NAI ये कुरुक्षेत्र में स्थापित करने के लिए 250 करोड़ रुपया लगा करके उस काम को भी हमने शुरू करा दिया है। एम्स जिसको कहना चाहिए, आयुर्वेद का एम्स। तो ऐसी बहुत सी पद्धतियां हमने इस स्तर पर शुरू की हैं, इलाज के नाते कहें या उसमें प्रिकॉशनरी कहें। अब ये गांव-गांव में कैसे फैले, हमने हर गांव में ऐसा एक योजना बनाई कि 2 एकड़ जमीन के ऊपर पार्क एवं व्यायामशाला, जिसमें एक योग संस्थान बने, और योग संस्थान के साथ साथ एक आयुर्वेद के ऊपर निर्भर वेलनेस सेंटर। अब वेलनेस सेंटर्स की भी आवश्यकता क्यों पड़ती है कि आदमी को जागरूक करने के लिए बहुत सी चीज़ें उसको बतानी पड़ती हैं, रहन सहन कैसा हो, खान पान कैसा हो। खान पान के कारण से भी हमारे शरीर में बीमारियां खूब आ रही हैं। अगर हमने अपने खान पान को इस नाते से सुधार लिया कि आहार ही औषधि है, अभी तो पिछले काल में ऐसा कुछ क्रम चला, हमारा आधार ही हमारी बीमारी का कारण बन गया। देश में अन्न की कमी हुई 60s में, एक रेवोल्यूशन आया, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, अन्न बढ़ाया जाए। अन्न बढ़ाने के लिए विभिन्न पद्धतियां उपयोग की गई कि उसमें केमिकल जो खाद है वो डाले गए, पेस्टिसाइड्स डाले गए, और उस केमिकल मैन्योर और पेस्टिसाइड्स के कारण से उसकी जो गुणवत्ता है, अन्न तो बढ़ गया, बहुत बढ़ गया, हम आत्मनिर्भर बन गए, लेकिन अन्न की गुणवत्ता खराब हुई। वो अन्न जब हमने खाया तो हमारे शरीर में कैंसर जैसी बीमारियां, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां, डायबिटीज जैसी बीमारियां, इसका लेवल बढ़ गया। बहुत लोग कैंसर से पीड़ित हैं, खराब इस एक प्रकार से जमीन में से जो केमिकल्स के कारण से अन्न खराब हुआ, पानी खराब हुआ, उसका उपयोग करने से। अगर हमने प्राकृतिक पद्धति से, ट्रेडिशनल सिस्टम से, अपने जो प्राकृतिक खेती होती है, ऑर्गेनिक खेती होती है, इस ओर बढ़ करके अगर हम अन्न पैदा करेंगे और उस अन्न को खाएंगे, तो फिर अन्न ही औषधि का काम करेंगे, अन्न औषधि का काम करेगा। और अन्न को भी खाने के लिए हमें
कुछ जो सलाहकार हैं खान पान के, जिसको डाइटिशियन कहते हैं, इसकी व्यवस्था हम कर